श्वेता सिंह, सीधे सीधे लद्दाख के आसमान से ये कड़ा मैसेज एक चीन को कि 15-16 जून की रात उन्होंने धोखे से जो भी किया, हल्के में ना ले भारत को। जी रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब जैसे ही ये गलवान घाटी वाली घटना हुई थी, उसके बाद से भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति बढ़ाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। जिस दिन यहाँ पर मैं पहुंची, दो दिन पहले रोहित, उस समय से ही हमने देखा कि किस तरीके से नाइट सॉर्टीज भी, नाइट फ्लाइंग भी भारत की तरफ से की जा रही है। और उस समय चूंकि अपनी शक्ति को बढ़ाया जा रहा था, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है कि चीन को तब तक पता चले जब तक हमने अपनी तैनाती पूरी कर ली हो। तो अब जब वायुसेना अध्यक्ष ने अपना दौरा पूरा कर लिया है, दो फॉरवर्ड एयर बेसिस पर श्रीनगर और लेह से होकर वो लौटे हैं, यहां पर उन्होंने समीक्षा की है, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कम शाम 4 बजे तक लगातार फाइटर्स की जो सर्वेलेंस सॉर्टीज हैं वो लगातार जारी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आसमान में हमने बार बार उड़ान भरते हुए देखा है, और ये सारी चीजें इस बात की तस्दीक कर रही है कि ग्राउंड पर जिस सपोर्ट की आवश्यकता थी वो पूरी तरीके से अब इस सेक्टर में उसकी तैनाती हो गई है। ऐसे भी ये एक ऐसा हिस्सा है, मैन और मशीन दोनों के हिसाब से, जहां पर चीन को थोड़ी सी अपनी क्षमता भी टटोलनी होती है, क्योंकि हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, चाहे वो चॉपर पायलट्स हो, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हो, फाइटर पायलट्स हो, वो सब 22,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान और कोई सेना को नहीं करना पड़ता, जो यहीं पर आप एक तरफ निकल जाइए तो सियाचिन में वो फ्लाई करते हैं नुब्रा वैली से होते हुए दूसरी तरफ गलवान घाटी, और अगर उड़ान देखें दोनों के बीच में तो चंद मिनटों की बात हो जाती है। कुल 8 एयर बेसेस ऐसे हैं रोहित जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इस सेक्टर को, जो चीन में नहीं है। चीन में केवल एक एयरबेस है जो इस सेक्टर को उनके सपोर्ट करता है। बिल्कुल श्वेता, और साथ ही साथ आप उन तमाम इलाकों में एलएसी के निकटवर्ती गांवों तक पहुंची हैं जहां इस वक्त सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं, वहां की परिस्थिति इस समय क्या है? हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, श्वेता सवाल का जवाब दे उसके पहले, हम कोई लाइव तस्वीर नहीं दिखा रहे, कोई ऐसी तस्वीर आपके सामने हम नहीं रखेंगे देशहित को ध्यान में रखते हुए जिससे सेना की किसी रणनीति के बारे में किसी को भी पता लग सके। श्वेता, फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति वहां क्या है? रोहित, कुछ वो हिस्से जहां पर किसी को भी अब इजाजत नहीं है, वहां पर गांव वालों से फोन पर मेरी बातचीत हुई है, बाकी वो हिस्से जो बिल्कुल वहां तक लगते हैं जहां पर गतिविधियां बहुत तेज हैं, हम गांव के नाम नहीं ले रहे हैं, हम इलाकों के नाम नहीं ले रहे हैं, और हम सिर्फ लद्दाख सिर्फ इसीलिए कहते हैं ताकि किसी भी तरीके से रियल टाइम या फिर ग्राउंड, जो बात आपने कही है वो चीजें निकल के आए। तो ये जो चीजें जो सुनने में आ रहा था कि डेमचौक से, क्योंकि आज बहुत खबरें निकलती हैं, डेमचौक से कहा जा रहा था गांव वालों को वापस भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है वहां से, वहां पर मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, हाँ सैनिकों की मूवमेंट है और उनके लिए रसद पहुंचाने की भी मूवमेंट है ताकि किसी भी तरह की कमी हमारे सैनिकों के लिए बिल्कुल नहीं रह जाए, चाहे वायु की हवाई रास्ते से हो या फिर जमीनी रास्ते से हो, उसकी भरपाई की जा रही है। ट्रूप मूवमेंट भी हैवी है, गांव वालों को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो जहां जहां पर अपने गांव में थे वहीं पर रह रहे हैं, उनकी नॉर्मल दिनचर्या चल रही है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर ये परिस्थितियां बिगड़ी हुई है वहां पर जाहिर है जो चरवाहे आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से गतिरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पीछे के हिस्सों में उनकी भी जिंदगी चल रही है और स्थानीय लोग भरपूर इस समय भारतीय सेना के साथ हैं और चीन को वापस धकेलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पर वो आने के की कोशिश में है और इस फिराक में है, एक तरह से वो कहते हैं कि गंदी नजर डाले हुए है हमारी जमीन पर, जहां पर हम अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि जिस मिट्टी से हम अपना जीवन यापन करें उस पर चीन की गंदी नजर रहती है, लेकिन उन्हें विश्वास भी है कि भारतीय सेना किसी भी तरीके से एक इंच भी जमीन नहीं खोएगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह लद्दाख से ये जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।